डोली जी तो 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते हैं। सुबह उठते ही उनको बेड लस्सी चाहिए है। बेड लस्सी? जैसे बेड टी होती है ना, वैसे ही बेड लस्सी। एक एक प्लेट भेल खा लेते हैं क्या? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बात किसी को पता चलने की नहीं है, हमारे व्रत का क्या होगा? मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं सोडी, एक एक प्लेट से ज्यादा नहीं खाएंगे। क्या भैया जी, बढ़िया, मेरे लिए फर्स्ट क्लास भेल बनो आप क्या? अरे वो भेल वाले भाई साहब। तो इधर ठीक है, एक एक प्लेट इडली खा लेते हैं, उसके बाद किसी अच्छी होटल में जाके पेट भर के खाना खाएंगे हम लोग। देखा देखा, घर में व्रत और यहाँ इडली पे इडली। नहीं यार जेठालाल, उधर अंजलि भी भूखी होगी, मैं नहीं खा सकता दोस्त। आपका व्रत पूरा हो गया, क्योंकि हमें आपके उपवास की नहीं, आपकी भावनाओं की कदर है। इसी बात पे हम सब एक काम करते हैं, हम अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, क्या कहते हो? चलो चलो चलो। मेरे बात सुनो। अरे अंजलि जी, कभी भी किसी को भी व्रत कराना हो ना बबीता, यार मेरे को ही बोल देना, मैं सबको ऐसे राजी कर लूं। जेठालाल जी, हमारा घर आ गया। जेठा, ए जेठा। हाँ बापू जी। बहू किधर है? बहू, अरे वाह, हमारे साथ नहीं है क्या? मतलब वो आ रही होगी पीछे पीछे। पापा, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे। अरे वाह, कल सोसाइटी में गणपति जी आ रहे, बोलो। इसलिए हम लोग चंदा जमा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा चंदा दीजिए ना। हाँ हाँ, देना ही चाहिए ना। अय्यर अंकल आप भी दीजिए ना। देखा बबीता जी, कितने अच्छे संस्कार है मेरे बेटे के। ये लो ये लो बेटा, ये लो। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? अय्यर अंकल ने तो 500 दिए। एक मिनट, ओ 100 की नोट आ गई? हाँ। गलती से 100 का नोट आ गया बेटा, वो 1000 का देना चाहता था मैं। ये ले लो 1000, लाओ लाओ 100 वापस दे दो। क्या चंदा दिल से देना चाहिए। बराबर है। 1000। अरे वाह, अय्यर अंकल के तो 1500 हो गए। मैंने कितना, 1000 का एक ही नोट दिया? हाँ। ओह, मैं 2 नोट देना चाहता था। ये ले बेटा 1000 रुपया। मेरे कितने, 2000 हो गए। मूल 1000 ले इल्ले। कोई बात नहीं, समझ गया, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते ना। उसमें क्या है, हर एक का एक बजट होता है, समझता हूँ मैं। इतनी मूल 1000 इल्ले। नहीं नहीं नहीं, ओ अय्यर भाई, एक बार दे दिया चंदा तो ऐसे ऐसे करके वापस नहीं ले सकते। दे दिया दे दिया। अरे रे, इनका मतलब ये है कि इनको 3000 रुपए देने हैं, पर फिलहाल इनके पास ना उतने पैसे नहीं है, तो अभी जरा आप इनकी तरफ से दे देंगे, बाद में आपको दे देंगे, डोंट वरी। दे देंगे ना जेठा जी? दे देंगे, क्या होता है बबीता जी, समझो, दे दिया। So sweet, thank you so much. पर क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में तो ये व्यवहार। Okay, bye. अच्छा बापू जी, चलता हूँ। ओ भाई, ये वट में बोल तो दिया, समझो, दे दिया। तो ये अय्यर का पैसा कौन लेगा? पैसा दे। अरे पापा जल्दी कीजिए ना, हमें और लोगों के पास भी जाना है। अरे तो जाना तो जाओ, मेरा दिमाग क्यों खाते हो? बापू जी सच बताऊं तो अभी मेरे पास भी नहीं है। तो बाद में दे दूंगा ना। बाद में कभी? अरे घर पे दे दूंगा बापूजी। दे देगा ना? हाँ बापूजी। ठीक है, चलो चलो, दे देना। काय, 2000 रुपया? अरे चंदा मांग रहे हो या कर्जा? ए भाई, तुम भगवान से जब मांगते हो तो भगवान तुम्हें ऐसा पूछते हैं? नहीं चाचा जी, वो बात सही है, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आपके पास दुकान है, आपके पास गाड़ियां हैं, मैं तो एक सीधा साधा शिक्षक हूँ। अरे वो मुझे मालूम है भाई, पर महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। नहीं बात सही है चाचा जी, देखिए पिछली बार मैंने 500 रुपया दिया था, अभी इस बार मैं पूरे 800 रुपए देता हूँ। अरे ठीक है ना, बोला गणपति बाप्पा। दादाजी, किसी ने भी ठीक से चंदा नहीं दिया, सिर्फ 10000 रुपए जमा हुए हैं गणपति जी की मूर्ति लाने के लिए, और ये उन्हें सजाने के लिए काफी नहीं है, अब हम क्या करेंगे?
महंगाई काफी बढ़ गई है, अरे इसमें क्या होगा, कोई समझता ही नहीं है। दादाजी, सबके घर में जाके आपने चंदा मांगा, मेरे दुकान पे आके कोई नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ इसलिए। अरे नेक काम में कभी कोई धर्म बीच में नहीं आता है अब्दुल। तो ठीक है टप्पो, अब्दुल की तरफ से 1001 रुपया लिख ले। फिर भी 11,000 हुए, इतने काफी नहीं है, कल गणपति जी का त्योहार है, करे तो क्या करे। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब बंदा देगा चंदा बढ़ेगा उसका धंधा। जय गणेश जय गणेश देवा, जो बंदा देगा चंदा बढ़ेगा उसका धंधा। काय चालले काय है सोनू, इतनी रात यहाँ पे नाच गाना क्यों हो रहा है? ओए ये क्या शोर शराबा मचा रखा है, हैं बापूजी, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पहले सब लोग नीचे आओ, फिर बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। बोलो। जय गणेश। देखा देखा, मुझे पता था टप्पू बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन बापूजी भी इतने अच्छे कलाकार होंगे वो आज पता चला। क्या बोल रही हो दया तुम, ये भगवान मुझे क्यों ऐसे सब मिलते हैं? क्योंकि आप नसीब वाले हो ना, इसलिए। चुप रहो, नसीब वाली इसलिए वाली। चल तू इधर से नीचे जा, वो इधर से नीचे आता हूँ, जा जा नीचे जा। अरे वाह, ये सब कितना अच्छा बजा रहे हैं, मैं गरबा ले लूं। अरे हाँ, फिर से निकली इसकी गाड़ी, चालू हो गई। अरे अरे बस भैया, क्या कर रही हो तुम, बस करो, हंस रहे सब। अरे बस करो, अरे बंद करो, ए अब्दुल बंद करो, बंद कर। तुम और टप्पू मिलके मेरे सर पे घर में गरबा खेलते हो क्या? कम है क्या, बिधर भी गरबा खेलने लगी? ऐसा थोड़ी होता है, सर पर थोड़ा गरबा लेते हैं, सर पर तो जगह भी नहीं है। चुप हो जा एकदम तू। नॉनसेंस। बापूजी, आपने कहा नीचे आ जाओ तो बता, तो अभी नीचे तो आ गए, और कितने नीचे आए, अब तो बताइए क्यों ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे सब लोग ये बताओ, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने सारे लोग, फिर भी गणपति जी के लिए कोई चंदा नहीं दे सकता? अरे चाचा जी, आप खुद तो लेके गए चंदा, चंदा दिया तो था हमने। अरे लेकिन वो कम पड़ रहा है, और चंदा दो। देखिए चाचा जी, हम इतना ही दे सकते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाथी मुझे एक बात बता, बड़ी बड़ी होटलों में तू खाना खाने जाता है कि नहीं जाता है? होटल छोटी हो या बड़ी, जहाँ भी खाना मिल जाए खाना खाने चला जाता हूँ। नहीं आप लोग मुझे बताइए, जिस दुकान में सेल का बोर्ड लगता है उधर तुम लोग भागते हो कि नहीं भागते हो? बापूजी, ये तो अपनी दुकान के हर चीज के भाव बढ़ा देते हैं और सेल का बोर्ड लगा देते हैं। दया भाभी। चुप हो जा तुम। Nonsense. मेहता साहब, आप मुझे बताइए, आप फिल्में देखने जाते हो कि नहीं जाते? फिल्म तो नहीं हो या पुरानी, बीवी के साथ जाना तो पड़ता ही है ना चाचा जी। खुद के लिए खर्चा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गणपति जी के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, तब महंगाई बीच में आ जाती है। लेकिन बापूजी, इस बार तो हम सब ने अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दिया है ना? अरे फिर भी कम पड़ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति खरीदने जितने पैसे भी जमा नहीं हुए। हे भगवान, ये महंगाई तो तुझ पे भी भारी पड़ रही है। हे विघ्नहर्ता, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। Oh!
क्या हुआ? ये भीड़ क्यों लगी है? हाँ? अंकल, कल सोसाइटी में गणपति जी को लाना है और उसके लिए चंदा कम पड़ रहा है। बस इतनी सी बात, नो प्रॉब्लम। किसी को चंदा जमा करने की जरूरत नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में राजाओं के राजा महाराजा गणपति आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे, धूम धड़ाके के साथ आएंगे। मैं मोहनलाल सारा खर्चा करेगा। गणपति बप्पा। ये लो बेटा, चिंता की कोई बात नहीं। आई आई। अरे इन्हें पहचाना? आप नहीं जानते, ये हैं मोहनलाल। लेकिन मोहनलाल तो अधूरा नाम है, पूरा नाम है मोहनलाल मटका किंग। बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इनके बिजनेसेस कुछ ऐसे हैं जो हम और आप नहीं कर सकते, यही लोग कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। कैसी लग रही हूं मैं? वाह वाह मधु, वाह, खूब सुंदर। तुम ऐसे लग रही हो जैसे पुरानी किताब पे नया कवर। काय? अगर नहीं गए। तुम ऐसे लग रही हो जैसे ज्योमेट्री की नई किताब। काय हो तुम्हें? आपको ठीक तरीके से तारीफ भी नहीं करनी आती। नहीं नहीं, मैं ठीक तरीके से तारीफ करूंगा। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं तुम्हें 100 में से 110 मार्क दूंगा। बस, मैं आपकी पत्नी हूं, स्टूडेंट नहीं। अरे आज कौन सा स्टूडेंट आ गया? गजानन श्री गणराया आदि वंदु। अरे ओए गणपति बाप्पा मोरिया। ओ यार, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर। नहीं मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुमने ये क्या पहन रखा है? कोई नए कपड़े पहनते यार। ओए कल ही खरीद के लाया हूँ। कितने में? 525 में। अरे 200 रुपए और डालो तो नहीं आ जाती? पापा जी। ओ छोड़ यार, तू भी ओ जल्दी आ जा, तैयार हो गए नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ओए गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा। ओए बोल ना मोरिया। आज के दिन भी सोड़ी ने कैसी शर्ट पहनी है, दिखा तुमने? आपने तो उससे भी बुरा कुर्ता पहना है। और क्या, गणपति है, जाओ नए पहनो जरा। अरे माधवी, मैं तैयार कहाँ हुआ अब तक? आज गणपति है, तुम जब देखोगी मुझे तैयार हुआ हुआ तो 100 में से 200 मार्क दोगी। अभी आता हूँ। जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सुनो 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 गोकुल धाम वासियों, सुनो, आप लोग जल्द से जल्द नीचे आ जाइए, हमें गणपति जी को लेने जाना है। ओ सोड़ी। अरे मेरे प्रा आ गया तू। इससे कहते हैं तैयार होना। यार नमस्कार दादा जी, कैसे हो चाचा जी? हाय सोनू, कैसी है? अच्छी हो, गणपति लान की तैयारी हो गई? हाँ। मोरिया रे पापा मोरिया रे मोरिया। दया, ये गणेशोत्सव है। पता है? अरे पता है तो गरबा क्यों खेल रही हो तुम? अरे मैं कुछ भी करती हूँ आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे पर तुम कहीं भी गरबा खेलने लगती हो तो अच्छा कैसे लगेगा? Nonsense. कोई अपनी खुशी व्यक्त करना चाहे तो उसका भी अधिकार नहीं देते, और फिर मैं जो मेरे को डांटते रहते और मैं भी होते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बोलती रहती है, पता नहीं। बीड़े बाबी, अरे कैसे हैं बबीता जी? ये साड़ी में तो पहचाना नहीं आपको। क्या नाइस कुर्ता है। मेरी साड़ी देखे, अच्छी है ना? अरे मेहता साहब कैसे हैं? ओ ओ ओ भीड़े भाई, टोपी और कुर्ता और वट पड़ता है आपका तो। लेकिन ये क्या? क्या हुआ? अरे सोटी भाई, आज के दिन तो नया शर्ट पहनना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था। अरे मैं कैसे समझाऊं, ये शर्ट नया है यार।
चलो अगर ये कहते हैं तो हम सब मान लेते हैं कि नहीं है। बोलता जा, सुन रहा है ना मैं। लो मोहनी आ गया। बापू जी ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं बोलते। वो मोहनलाल मटका किंग है, दुबई तक पहचान है उसकी। तो चल ठीक है, करता मैं फोन तेरे, ठीक है। अरे टप्पू, अरे क्या हुआ? अरे बच्चे लोग कैसे हो? ठीक है। वेरी गुड। मैं टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से मोहन अंकल को फिर एक बार थैंक कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज गणपति जी यहाँ पधारेंगे। मेरी गणपति जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबके झगड़े और लफड़े दोनों को खत्म कर दें और आप सबको खुशहाल बना दें। गणपति बप्पा। मुझे ताली बजाइए। इसमें ताली क्या बजाने का? तो मत बजाइए। तो चलो हम सब जाते हैं हमारे गणपति जी को लेने। गणपति बप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। आखिर गणपति महाराज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में पधारे हैं। अब यहाँ पे मस्ती, हंगामा, उमंग और उत्साह और आनंद सब कुछ रहेगा अगले एक हफ्ते तक। और मेरा तो ये मानना है कि गणपति जी महाराज भी अपना ये स्टे इस सोसाइटी में बहुत इंजॉय करेंगे और खूब हंसेंगे, बशर्ते कि ये टप्पू और चंपकलाल जी कोई नया बखेड़ा न खड़ा कर दें। पर ऐसा होगा नहीं। आप लोग कल आरती में जरूर आइएगा और गणपति जी महाराज के दर्शन कीजिएगा। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।